5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है. यू आर टू सॉल्व द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1/√2 इक्वल टू 0. तो बेशक आप इसका एलसीएम ले सकते हो. तो इसका एलसीएम हो गया √2. यहाँ पर आ जाएगा √2x² + √2x + 1 = 0. और यह √2 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा 0 × √2, तो वह 0 हो जाएगा. तो यहाँ से मिलेगा √2x² + √2x + 1 = 0 × √2. तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है. इसको अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, तो वी विल गेट a = √2, b = √2 एंड c = 1. तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो d. इसकी वैल्यू है b² - 4ac, बी की वैल्यू √2² - 4, ए की वैल्यू √2, सी की वैल्यू 1. तो √2 का स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 - 4√2. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी. क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो ये बनेगा 1 - 2√2, और √2 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.414 होती है. तो आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 × 1 - 2 × 1.414, तो ये आएगा 2 × 1 - 2.828 आ जाएगा. और आप देख रहे हो कि ये वैल्यू -1.828 आ जाएगी. तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास लेस देन 0, क्योंकि प्लस इनटू माइनस माइनस होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी गिवन बाय x = -b + √d/2a, यानी कि -b की वैल्यू है √2 प्लस माइनस √d, यानी कि √d और d की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो 2 - 4√2 और डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू √2. तो यहाँ से आप ये कर सकते हो कि अंदर से 2 कॉमन ले लो तो बाकी बचा 1 - 2√2 और डिवाइडेड बाय 2√2, तो -√2 + - ये 2 के ऊपर जब रूट आएगा तो √2 अलग हो जाएगा और बाकी जो नंबर है उसके ऊपर रूट आ जाएगा 1 - 2√2 और डिवाइडेड बाय 2√2. अब ऊपर से अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ तो बाकी बचा -1 + -√1 - 2√2 और डिवाइडेड बाय 2√2. तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा. तब क्या इस बच्चा -1 + -√2, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव आएगी. तो इसमें से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 2√2 - 1 और डिवाइडेड बाय 2, और ये जो रूट है वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो उसके बाद इसका आंसर क्या होगा, -1 + - जब ये रूट इस टर्म के ऊपर आएगा तो ये मिलेगा 2√2 - 1√2, और जब ये रूट -1 के ऊपर आएगा तो वो बन जाएगा आयोटा और डिवाइडेड बाय 2. तो ये इसका आंसर आएगा. आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं.